यात्रा पर उमा भारती ने बड़ा बयान दिया, जन आशीर्वाद यात्रा के लिए मुझे निमंत्रण नहीं है, सिंधिया से सरकार बनवाई तो मैंने भी बनवाई है, मेरा भी ध्यान रखना चाहिए था। ये बड़ा बयान उमा भारती की तरफ से दिया गया है। डर है कि सरकार बनने के बाद मुझे पूछेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर पूर्व सीएम है उमा भारती, उनका दर्द छलका है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया, जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे नहीं बुलाया गया है तो मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, अगर सिंधिया ने सरकार बनवाई तो मैंने भी प्रचार किया, मेरा ध्यान रखना था, नहीं रखा, मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। तो यहाँ पर साफ तौर पर उमा भारती का दर्द देखा जा रहा है, क्योंकि आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है, लेकिन यात्रा में निमंत्रण ना देने से उमा भारती कहीं ना कहीं नाराज नजर आई और उन्होंने यहाँ पर बड़ा बयान भी दे दिया है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व सीएम उमा भारती का दर्द छलका, वो कह रही हैं कि उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया गया। बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सीधे तौर पर सवाल उठाए गए। आज चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होने जा रहा है, लेकिन उमा भारती ने उसमें निमंत्रण नहीं मिलने के लिए और उसके साथ साथ सम्मान नहीं मिल रहा उनका पार्टी में, सीधे तौर पर वो ये पार्टी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। उनका दर्द झलका है। कुछ दिन पहले उनके भतीजे राहुल यादव को कैबिनेट में जगह मिली थी और ये लग रहा था कि उमा भारती की जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से उनका बयान आया है उससे लग नहीं रहा है कि उमा भारती की नाराजगी दूर हुई है, क्योंकि उन्होंने दो तीन चीजें अपने बयान में कही है। पहली चीज ये कही है कि सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनवाई है तो मैंने भी सरकार मेहनत करके बनाई थी 2003 में, लेकिन वह सीधे तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो जन आशीर्वाद यात्रा के हम गाड़ी देखेंगे, रथ को देखेंगे, तो उसके अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर हैं, लेकिन उमा भारती कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक लाइन और जोड़ती हुई नजर आ रही है कि सरकार वापस से बीजेपी की अगर मध्य प्रदेश में बनती है तो वो उनको भूल तो नहीं जाएंगे, ये भी उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए। तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में अब एक और तरह उमा भारती की तरफ से जो बयान आया उस पर सियासी संग्राम मस्त हुआ नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष इसको हाथों हाथ लेता हुआ नजर आएगा और जिस तरीके से उमा भारती एक के बाद एक बयान दे रही हैं जिससे सरकार की बीजेपी की मुसीबत खड़ी हो रही है, लग रहा था कि अब शांत हो जाएंगी उमा भारती, लेकिन जिस तरीके से उनका बयान सामने आया उससे लग रहा है कि आने वाले समय में चुनाव के समय चुनाव प्रचार जब और चढ़ता हुआ नजर आएगा उस वक्त उमा भारती के और बयान सामने आएंगे, क्योंकि वो खुलकर अब पार्टी के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही, क्योंकि साफ तौर पर उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है जब उनको जन आशीर्वाद यात्रा में निमंत्रण नहीं दिया गया, मान सम्मान नहीं दिया गया, और उनके बयान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है वो एक ही चीज की पार्टी से मांग कर रहे हैं कि उनको मान सम्मान दिया जाए, उनकी पूछ परख बढ़ी जाए, लेकिन जिस तरीके से हम तमाम चीजों को देख रहे हैं, चाहे बीजेपी के अंदर जो बैठकें अलीशा होती है या फिर किसी भी तरीके का कार्यक्रम होता है, वहां पर उमा भारती कहीं पर भी नजर नहीं आती। किसी जमाने में वो कद्दावर नेता हुआ करती थी, खासकर बुंदेलखंड के इलाके की बात की जाए और लोधी वोटों में उनका काफी असर माना जाता था, और 2018 की बात की जाए तो कई ऐसी लोधी बहुत चीजें थी। गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर आज बीजेपी जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है चित्रकूट से, जनता तक पहुंचेंगे, समस्या जानेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी ही पार्टी की पूर्व सीएम है उमा भारती, उनका दर्द छलका, उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोगों को जो है वो जो डंपिंग स्टोर है जिसे वो कौन सा मंडल कहते हैं, मार्गदर्शक मंडल, उसमें लोगों को फेंकने का बहुत शौक है और बहुत पद्धति है। तो उमा भारती जी को सने सने जीरो किया जा रहा है, उमा भारती जी को कहीं पूछा नहीं जा रहा, वो बार बार अपनी बात उठाती हैं और बार बार उनको जो है फिर पीछे धकेल दिया जाता है, चाहे शराब का मामला हो, चाहे जो है रायसेन के शिव मंदिर को खोलने का मामला हो, दरवाजा खोलने का मामला, जो भी मामले हैं उनमें उमा भारती जी को बेइज्जत करने की कोशिश लगातार इस सरकार के माध्यम से हुई है। उनका अपना आक्रोश जेन्युइन है, उन्हें संतुष्ट करने के लिए ही उनके भतीजे को अभी जो है मंत्री बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर जो है कोई बात है तो फिर कोई गहरी बात है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये रुख है जिससे पूरी पार्टी असंतुष्ट होकर कांग्रेस की तरफ दौड़ लगा रही है और कांग्रेस में जो है अपना शरण ढूंढ रही है, उसका कारण ही ये है कि यहाँ पर जो है बहुत दमन चल रहा है, कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है और कार्यकर्ताओं का नुकसान किया जा रहा है।
ये बात उन्होंने बहुत मौजू उठाई है कि सरकार तो उन्होंने भी बनाई थी, उन्होंने तो जनमत तैयार करके सरकार बनाई थी। ये जो सिंधिया जी ने तो जो सरकार बनवाई है वो तो बनवाई जो सौदे से बनवाई है, तो जो जिसने जेन्युइन सरकार बनाई थी वो जो है सौदेबाजों से हार रही है, तो उसकी पीड़ा तो सही है। और बुंदेलखंड में इस पीड़ा का अगर इजहार निरंतर होता है। जी भूपेंद्र जी, तो मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। इसी बीच नरेंद्र सलूजा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आज बीजेपी जो है जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करे चित्रकूट से, जनता तक पहुंचेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, उनसे संवाद करेंगे, लेकिन आपकी ही पार्टी में अंदर कलह नजर आ रही है क्योंकि नाराजगी जो है उमा भारती के सामने आ गई कि आपने उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा में बुलाया ही नहीं है। देखिए उमा भारती जी मध्य प्रदेश की कद्दावर भाजपा नेता है, समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी पार्टी लेती है, उनके अनुभव का लाभ भी लेती है, वो पार्टी में सम्मानी है। यदि कोई त्रुटिवश उनको आमंत्रण में यदि कोई चूक हो गई होगी तो पार्टी उसमें सुधार भी करेगी, लेकिन पर्याप्त सम्मान है। हमारे वहाँ कांग्रेस के जैसा नहीं होता कि कल मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र भंवर सिंह आए और सुरेश पचौरी जी को नहीं बुलाया, अरुण यादव बंगले पे बैठे थे, कांतिलाल भूरिया को नहीं बुलाया, अजय सिंह को नहीं बुलाया, दिग्विजय सिंह बाहर के बाद 10 मिनट में रवाना हो गए, एक भी बड़ा नेता नजर नहीं आया, एक को भी सम्मान नहीं दिया, एक भी बैठक में नजर नहीं आया। हमारे वहाँ इस तरह का नहीं होता, हम तो सबको पर्याप्त सम्मान देते हैं। यदि एक नाम सामने आया उमा भारती जी का तो वो भी जो त्रुटि हुई होगी उसको दूर कर लिया जाएगा, लेकिन उनका पर्याप्त सम्मान है, उनको सम्मान दिया जाता है। एक दिन पूर्व भी मुख्यमंत्री जी उनके निवास पे गए, बाकायदा उनसे मुलाकात करी, उनसे समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है, उनके जो सुझाव रहते हैं उस पर भी अमल किया जाता है, पर्याप्त सम्मान है उनका। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने वाली बात सामने आ रही है, लेकिन नाराजगी जो है अब देखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, नरेंद्र सलूजा जी।